हैं, और वहाँ पर यहाँ पर और दूसरे दूसरे गोपों का भी गैया है, जहाँ पर ये गैया जहाँ पर रहा करते थे, और जहाँ पर श्री यहीं पर कभी कभी बैठक भी बैठाया करता था। ब्रज में कहाँ जाना नहीं जाना, इसलिए स्थान का नाम ब्रज। क्या नाम है? ब्रज। ब्रज मतलब क्या है? मतलब ब्रज गतौ, ब्रज चलती। ब्रज मतलब होता है जो चलता रहता है, जो चलता रहता है। चलता रहता मतलब क्या? इनका गैया ही इनका मूल संपत्ति थी। अगर जैसे आप देखोगे, जैसे नंदगांव गए, बरसाना भी जाओगे, कल गए थे गोकुल भी गए थे, हैं गोकुल भी गए थे। इसलिए यहाँ क्या होता था, इनके पास में गैया ही मूल धन थी। इसलिए जब किसी जगह का घास खत्म हो जाती थी, गैया चरते थे, घास खत्म हो जाता था, क्या करते थे, फिर वो लोग वो गांव छोड़ करके और किसी दूसरे गांव में चले जाते थे। पहले अभी जो नंदगांव में हम लोग आए हैं, यहीं पर पहले थे नंद बाबा, पहले यहीं पर रहा करते थे। लेकिन यहाँ पर एक कैसी दैत्य था, वो बड़े बीच बीच में आकर बड़ी उत्पात मचाया करता था। इसलिए इन लोगों ने किया कि इसको छोड़ करके चले गए गोकुल में। कल जहाँ गए थे ना गोकुल गए थे, वहीं पर गोकुल चले गए सबके सब। लेकिन वहां पर जब फिर बिना बर्त आ गया, फिर सकटा शुरू आ गया, दैत्य लोग आने लग गए, फिर भैया चलो यहाँ छोड़ कर और कहीं चले जाते। फिर आ गए कहाँ पर, कल गए थे ना जहाँ पर, कहाँ पर गए थे, छठी ग्राम में गए थे। फिर वहां पर जब सारे घास खत्म हो गया, फिर राल चले गए, फिर वहां से जब खत्म हो गया, फिर और कहीं चले गए। इसलिए इसका नाम है ब्रज। ब्रज मतलब होता है जो चलती बा गतो, बा एक जगह से दूसरे जगह में चले जाते थे। इसलिए जब नंद बाबा जब यहीं पर जब रहा करते थे, यहीं से ही कृष्ण का लास्ट लीला है, उनका जो ब्रज लीला है ना, यहीं से उनकी ब्रज लीला समाप्त हो गया। यहीं से ही कंस अक्रूर को भेज करके, यहीं से ही कृष्ण बलराम को लेकर के उन्होंने मथुरा में चले गए। अभी ये जो स्थान है, यहीं पर सारे ब्रजवासी बैठ करके मीटिंग क्या करते थे, अभी कहाँ जाना नहीं जाना, अभी सुख दुख क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। यहीं पर नंद बाबा उपानंद सुनंद अभिनंद नंदन सबके सब यहीं पर बैठ करके सारे ब्रजवासी सब अच्छे से विचार करते थे। बोले क्या विचार करते थे, तब गुरुदेव एक कथा सुनाते थे। बोले जिस समय कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन उठा लिया, कृष्ण का उम्र कितना था? 7 साल का। कितना दिन उठाया था? 7 दिन। कितना बड़ा पर्वत था? 7 क्रोश। जब उन्होंने इतना बड़ा गिरिराज को उन्होंने धारण कर लिया, इतने में यहीं पर जब सारे ब्रजवासी बैठे, इतने में सारे ब्रजवासी नंद बाबा को कहते, बोले नंद बाबा अभी तक कम से कम तुम मान जा कृष्ण भगवान, पहले पुतना को मारे, त्रिना वर्त को मारे, सकटासुर को मारे, अभी जब उन्होंने बकासुर अघासुर को मारे, अभी देखा है ना उन्होंने कितना बड़ा गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया, और कौन सा हाथ में, उल्टा हाथ में, कौन सा अंगुली में, सबसे छोटी अंगुली में इतने बड़े गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया, ये कोई साधारण बच्चा क्या कर सकता है। अरे अभी तो कम से कम मान ले कृष्ण भगवान, अभी तो तू मान ले है, अभी तो मान ले। ये क्या करती मैया जसोदा, अगर कन्हैया ने थोड़ी अगर मक्खन पकन खा लिया, मक्खन चोरी करे खा लिया, मैया डांट लगाती है, और मैया पूछते लाला तुमने मक्खन खाई, कृष्ण डर से क्या कहते हैं, बोले मैया मोरी मैं नहीं मक्खन खायो, मैया मोरी मैं नहीं मक्खन खायो। इसलिए कृष्ण है अभी कभी अगर थोड़ा कृष्ण नटखट करे तो मैया क्या करती है, हाँ मैया क्या करती है, माता जी कथा सुनना ना, वहां पर कुछ कुछ माताओं में ना बुद्धि भ्रष्ट कथा छोड़ कर इधर उधर भटकती है। इसलिए यहाँ पर कहती है, इसलिए अभी तो अरे कम से कम अभी तो भगवान उनको मान लो, कम से कम आज तो भगवान। जब उन्होंने ये बोले ना, नंद बाबा तो हा 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 करते करते बड़े जोर से ठा लगा कर हंसे, बोले देखो हमने सुना था जो गोप है ना, उनको जब तक 80 साल नहीं हो जाते ना, उनका अकल की दाद नहीं निकलता है, ये ग्वाला लोग। अरे ये लोग अभी मेरे लाला कहां ब्रजवासियों को इतने बड़े विपत्ति से रखा कि इंद्र संपूर्ण ब्रज को ध्वंस करना चाहता था, मेरे लाला गिरिराज को उठा करके ये ब्रजवासियों को विपत्ति से उद्धार किया, अभी हमारे लाला को पर विपत्ति आ गई है। ये लोग क्या कहते हैं, तेरे लाला भगवान है, तेरे लाला भगवान है, अरे तुम्हें क्या पता कन्हैया घर में क्या करता नहीं करता, तुम्हें पता है
मिट्टी का पूरा खा लिया। मैया पूछा तेने मिट्टी खाई, पूरा झूठ बोल दिया। मैया बोली मैं नहीं झूठ, मैं नहीं मिट्टी नहीं खाया, मक्खन पूरा के पूरा खा लेता है। अगर मैया बोलती मक्खन खाई, मैया बोली मैं नहीं माखन खाई। भगवान कभी झूठ बोलते हैं? जिनको सत्य ब्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्य सो जोनी निहितम च सत्य, जिनको परम सत्य सनातन कहते हैं, वे भगवान कभी झूठ बोलते हैं? ये बात बात में झूठ बोलता। अगर एक मिनट अगर मक्खन मिश्री में लेट हो गया रोटी देने में, जान तो ये क्या करता है? मटकी फटकी फोड़ फाड़ करके पता नहीं क्या क्या करने लग जाता है। अरे कभी कभी किसी दूसरे घर में अगर जाता है, कहीं नहीं मिला ना टाटे पेशाब करके भी आ जाता है, है? और ये बात बात में इसकी बड़ा क्रोध है। तुम्हें पता है ये घर में क्या करता नहीं करता? मेरे लाला कहां तुमको विपत्ति में उधार किया, और मेरे लाला के ऊपर विपत्ति तुम लोगों ने भगवान बोलना शुरू कर दिया। मतलब क्या है? जो शुद्ध ब्रजवासी है ना, कृष्ण भले ही जितने ऐश्वर्य दिखा दे, लेकिन ये ब्रजवासी कृष्ण को कोई भी भगवान मानने के लिए तैयार नहीं। कोई कहते हमारे सखा है, कोई कहते लाला है, कोई कहते प्रियतम है। इसलिए यहाँ पर बैठ करके सब विचार हुआ करता था, अभी क्या होना, ब्रजा होना नहीं होना। राधा रानी की जब शादी की विषय आई, यहीं पर बैठ करके विचार की, अभी राधा रानी को साथ में कृष्ण की शादी होगी कि नहीं, क्योंकि पूर्णमासी कहती है मांगली है, शादी होगा तो जिंदगी भर लड़ाई झगड़ा करेंगे। इसलिए यहाँ है वो स्थान है जहाँ पर सारे ब्रजवासी बैठ करके यहाँ पर ब्रज में क्या होगा नहीं होगा, अच्छा बुरा सबके सब यहीं पर विचार करते थे, और यहीं पर अपने गैया को खोला छोड़ देते थे, गैया यहीं पर चरते थे और यहीं पर आकर के विश्राम किया करते थे। इसलिए स्थान का नाम नंद खिड़क कहते, नंद बैठक भी है, नंद खिड़क भी है। इसलिए आसपास में तो बहुत बहुत सारे लीला है, अगर सुनेंगे ना पर एक बार रात हो जाएगा और कहीं नहीं जा सकते हो। इतने पास पास में ठाकुर जी इतने लीला यहाँ पर की, संपूर्ण कृष्ण लीला से पूरा डूबा हुआ ये ब्रजभूमि है। इसलिए अब लोगों को लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि भगवान के वरदान है, जहाँ पर ठाकुर जी ये मधुर मधुर लीला की, वहां पर कोई जाए, वहां पर बैठे, वहां धूल लगाए और वहीं पर कथा सुने, क्या होगा? भगवान कोई स्वयं वरदान दिया, उसका हृदय साफ हो जाएगा, उसके हृदय में कोई काम क्रोध लोभ नहीं रहेगा, और उसको हृदय में ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों को, हम लोगों ने इतना कष्ट करके यहाँ पर लाए और आप लोगों को घुमा घुमा रहे हैं, आपको पूरा वृंदावन धाम में घुमा रहे, ठीक है? अभी चलो हम जाकर देखेंगे जहाँ पर मैया जसोदा कन्या को हाव बिलाओ, हाव बिला जान तो जैसे बच्चों को भूत आ गया उधर मत जा खेलने के लिए लाला, कभी बच्चों को डराते है ना, डराते हैं। जहाँ पर मैया जैसा डराया करता था, अभी वो हाव बिलाओ वहां पर है, वहां पर हाव बिलाए जाएंगे। जहाँ पर नंद जसोदा जहाँ पर स्नान करते थे कृष्ण बलराम है, कृष्ण बलराम जब थोड़ी सी बड़े हो गए, अब देखना जब छोटा छोटा थोड़ी सी बड़ा हो जाता ना, चलना इतने चंचल होता है ये मैया, कृष्ण बलराम इतने चंचल थे। एक मैया तो लाला दोनों को संभालती थी और एक काम करती थी, और जहाँ पर दोनों बच्चे को बैठा करके नंद जसोदा स्नान करती थी और कृष्ण पानी में भागते थे और मैया जसोदा आकर पकड़ती थी, और यहाँ पर मटकी थी जिस मटकी में इतना बड़ा मटकी जिसमें मैया जसोदा दधि मंथन करती थी, माने के मन जिसमें तो ये दही डालकर जिसमें मंथन करती थी, ये सब स्थान है। अभी चलो धीरे धीरे यहीं से चलते चलते चलो, कोई गाड़ी में मत बैठा करो, किंतु एक बार गाड़ी में बैठने में उतने में एक घंटा लग जाती है, इसलिए एक घंटा में हम सब दर्शन कराएंगे, ठीक है? चलो प्लस नंदा खेड़ा की।